इंग्लिश हमारे लाइफ के लिए इतना कंपलसरी क्यों है? इन मॉडर्न एज में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और इंग्लिश की डिमांड बढ़ क्यों गई है? देखो, इंग्लिश सीखने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ने और लिखने आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ने का मतलब यह है कि आपको समझने, किसी बुक्स को मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसके साथ आपको बोलने भी आना चाहिए, ताकि हम दूसरे के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी नॉलेज, अपनी बात को रख सकें इंग्लिश में। देखो, इन जनरल हमारी पर्पस या थिंकिंग क्या होती है इंग्लिश को लेकर के, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख लेंगे ना, हमारे इंप्रेशन दूसरों के सामने बढ़ जाएगी, हमारी सोशल वैल्यूज बढ़ जाएगी, हमको जॉब फाइंडिंग में काफ़ी ईजी होगा, उसके साथ हम दूसरे को, हम किसी को डोमिनेंस कर सकते हैं अपने टीम मेट्स के बीच, अपने ग्रुप्स में, अपने क्लासमेट में, अपने नेटवर्क्स में, ये सारी चीज़ छोड़ती है। देखो, पर्सनालिटी ग्रूमिंग में ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना एक चार चांद लगाने वाली है। देखो, जब एक इंसान जब दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है, जैसे एक बॉयज एक गर्ल्स को इम्प्रेस करना चाहता है, तो बेसिकली क्या क्या फंडा या वो फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, वो क्या करता है कि अच्छे क्वालिटी का क्रीम, परफ्यूम, हेयर स्टाइल, ड्रेसअप, शूज, इन सारी चीज़ों को अपनी लुक्स को स्मार्ट दिखने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन याद रखना है कि इंग्लिश अगर जिसकी बेहतर होती है ना, जो इंग्लिश में बात कर पाता है, दूसरे से कनेक्ट हो पाता है, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा पाता है, तो इंग्लिश है ना, इन परफ्यूम और इन नेटवर्क, इन स्टाइल से भी आपकी लुक कम नहीं बढ़ा पाएगी या और चार चांद लगा देगी। ये तो होगी जनरल। मेन थीम में क्या है, क्या हम करियर डेवलपमेंट्स पे लेकर के और लाइफ सेटलमेंट्स में इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जिंदगी का हर एक स्टेज में इंग्लिश है ना एक अलग फ्लेक्सिबिलिटी और एक अलग एक्स्ट्रा कॉर्नेज या एज प्रोवाइड करवाता है। देखो, जब से हमारा देश 1991 से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली है, तो दुनिया में है ना मार्केटिंग और बिजनेस का काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, और वर्ल्ड वाइडली एक नेशन दूसरे नेशन से जुड़ा है, जिसके वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो या टेक्नोलॉजी हो या माइग्रेशन हो इंसान का, कोई भी चीज़ हो, तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और वर्ल्ड वाइडली हम एक दूसरे से जुड़े हैं और डेवलपमेंट की ओर एक दुनिया चलते नजर आ रही है, जो चीज़ हम लोग को दिख रहा है आजकल के दौर में। देखो, हम पॉइंट टू बाइस में डिस्कस करने वाले हैं, और बेसिकली हम फर्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है क्यों, इसको यूनिवर्सल या ग्लोबल लैंग्वेज क्यों बोली जाती है। देखो, आजकल इस दुनिया में लगभग मोर देन 8 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, मतलब 8 करोड़ प्लस, और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा इंग्लिश लिखी, बोली और पढ़ी जाती है। देखो, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी अखबार है, चाहे प्रिंट न्यूज़पेपर हो या टेलीविजन हो, वो जितने भी न्यूज़ को प्रिंट करता है ना, प्रिंट मीडिया या इंग्लिश न्यूज़ को टेलीकास्ट करता है, वो इंग्लिश में ही करता है। और बाहर की दुनिया में कैसे कैसे क्या चीज़ चल रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कैसे मेडिकल फील्ड में चेंजेस आ रहा है, कैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है, कैसे बिजनेस एक दूसरे से जुड़ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स कैसे बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों को समझने में ना इंग्लिश बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि हमको वर्ल्ड वाइडली जोड़ता है, और जब हम जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, एक नेशन दूसरे नेशन से बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। और देखो, इंग्लिश दुनिया की एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जो इंसान को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके तैयार करता है। अगर कोई इंसान कहीं कंपनी में जॉब करता है, अगर उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, अगर इंग्लिश नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। और अगर किसी इंसान किसी सिंगल प्लेटफॉर्म है, तो अगर वो किसी भी देश है, किस जाति से हो, किस बिरादरी से हो, किस कौम से हो, किस नेशन से हो, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश हमें दूर करता है, और इंग्लिश हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक बोलते हैं इंडिकेशन देता है, साइन देता है, और इंग्लिश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखो, दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं कि पर्सनालिटी स्किल्स लेकर के क्या है। देखो, इस इंसान के पास दो तरह की पर्सनालिटी स्किल्स होती है, एक आउटर पर्सनालिटी होती है, एक इनर पर्सनालिटी है। आउटर वो पर्सनालिटी होगी जो इंसान को बाहर से दिखता हो, जैसे आपके ड्रेसअप क्या है, आपकी हेयर स्टाइल्स क्या है, आपकी हाइट क्या है, मोटे हो कि छोटे हो, या आपकी बिहेवियर्स क्या है, जो लोगों को दिख जाती है। लेकिन इनर पर्सनालिटी की बात की जाए, जो लाइफ को आगे बढ़ने में, लाइफ में उड़ान भरने में, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। इनर पर्सनालिटी में होता है इंसान के थॉट प्रोसेस क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, कितना लॉजिकल है, कितना टैलेंटेड है, कितना सेल्फ कंट्रोल है, जो लोगों को दिखती नहीं है, या तो आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, या उनको आपके साथ में टाइम बिताना पड़ेगा, वो धीरे धीरे मालूम चलती है। और इंग्लिश जब हम सीखते हैं ना, तो हमारे साथ सिर्फ हम इंग्लिश बोलना ही नहीं सीखते, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बोलते हैं स्किल्स का ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, जो मेरे लाइफ में एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी और कॉर्नर्स प्रोवाइड करवाता है। तीसरी चीज़ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। देखो, आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में है ना, सारी चीज़ प्राइवेटलाइजेशन हो रही है और बहुत बड़ी स्टार्टअप्स, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप हो रहा है, तो जॉब का सारी चीज़ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे हावी होते जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना काफ़ी ईजी है, अगर दो चीज़ें अगर आ रही है तो, एक तो आपको रेस्पेक्टिव फील्ड में एक अच्छा स्किल्स होना चाहिए, उसके साथ साथ एक बेसिक कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड होनी चाहिए, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। देखो, जॉब्स को हम बेसिकली दो डिवाइड करते हैं, एक बड़े लेवल की जॉब, बिग जॉब्स, एक स्मॉल लेवल की जॉब्स। बड़े लेवल के जॉब की वजह से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए, जिसको एमएनसीज बोलते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हो गया,
हायर पोस्टिंग हो गया, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मैंडेटरी क्या है, तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। चाहे ऑनलाइन टीचिंग्स हो, मार्केटिंग्स हो, सेल्स हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, इन सारी चीज़ों में इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ चल रही होती है ना डिजिटल की दुनिया में, सारी चीज़ इंग्लिश में ही है। अब जिस फोन पे हमको देख रहे हो, जिस फोन का यूज़ करें हम लोग, पीसी का, टेलीविजन का, कंप्यूटर का, सारे इंग्लिश सारे फंक्शंस हैं, और जिसको आता है समझने तो बेसिकली वो लोग बेहतर तरीके से उसको लीड कर पाता है। स्मॉल लेवल की जॉब की बात है, जैसे स्मॉल लेवल में हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, स्कूलिंग के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप स्कूलिंग में भी पढ़ाना चाहते हो 6, 5 या 10 क्लास का, तो आपको सबसे पहले पूछेगा आपके रिज्यूम में कि मीडियम ऑफ टीचिंग क्या होगा, इंग्लिश होगा तो आप जॉब ले पाएंगे, वरना आपके रिजेक्शन के चांसेस हाई है। चाहे स्मॉल ऑफिसेस हो या मॉल्स हो, इंग्लिश मैंडेटरी आजकल के दौर में। फोर्थ वन है कि देखो सोशल रेस्पेक्ट, इस दौर में सब लोग चाहता है कि हमारी सोशल रेस्पेक्ट कंपेयर टू मेरे फ्रेंड्स या हमारे रूममेट्स या हमारे क्लोज मेट्स के हमारे ज्यादा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कहा जाए कि जिस लोगों के पास कम्युनिकेशन में तो इंग्लिश पे कमांड होता है, सोसाइटी में उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है। आपके बगल में कोई ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपनी नॉलेज को अपनी शेयर नहीं कर पाता, दूसरे के साथ जोड़ नहीं पाता, तो उसकी कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। वहीं पर अगर आपके पास इंग्लिश रहता तो आप एक अलग अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटीज में एक अलग रेस्पेक्ट मिलेगा। ये एक्स्ट्रा कॉर्नर बोल सकते हैं इंग्लिश प्रोवाइड करवाता। देखो चौथी चीज़ है चांसेस टू गो अब्रॉड। इस दुनिया में बेसिकली लोग बाहर क्यों जाता है, दो पर्पज होता है, एक तो एजुकेशन पर्पज होता है, दूसरा जॉब पर्पज होता है। देखो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन, हम हाई अपने हायर स्टडीज बाहर की दुनिया से, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से, बाहर की दुनिया से ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूएसए, तो अपना हायर स्टडीज कंप्लीट करें, तो सबसे मैंडेटरी चीज़ इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ का जो प्रोफेसर होगा या टीचिंग मीडियम होगा इंग्लिश होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो शायद आपके ड्रीम्स यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखो आज की इस दौर में सब चाहता है कि हमारा स्किल का इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ के सबसे ऊंची उड़ान तक जाए और बाहर की दुनिया में काम करें, जहाँ से ज़्यादा हमारे अर्निंग हो सके, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हायर रैंकिंग्स हो गया, हायर पोजीशन पे काम करना हो, तो हमें क्या एक अलग रोल मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे काम करने के लिए आपको स्किल तो होना ही चाहिए, सिर्फ साथ साथ आपको बातचीत करने के लिए जो मीडियम क्रिएट होती है हमारे देश और उस देश के बीच में अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन जब हम एक सिंगल लैंग्वेज चुनेंगे तो इंग्लिश ही आता है, जो हमको जोड़ता है, उन गैप को दूर करता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पांचवी चीज़ है बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखो हमारे हिंदुस्तान में लगभग 30+ बोर्ड्स है, सेंट्रल बोर्ड्स है और स्टेट बोर्ड्स है, चाहे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तमिल बोर्ड हो गया, या राजस्थान बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, उसके साथ साथ अगर सेंट्रल बोर्ड की बात की जाए तो ICSE हो गया, CBSE उसका, और बेस्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड आता है। क्यों? क्योंकि इन बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चा का जो मैक्सिमम चांस रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपटीशन में, सिलेक्शन रेशियो काफ़ी हाई रहता है कंपेयर टू स्टेट बोर्ड बच्चा, वहीं पे ये बच्चा सफर करता हुआ पाया जाता है, और रेशियो जो सिलेक्शन रेशियो था बहुत कम रहता है कंपेयर टू द इंग्लिश मीडियम बच्चा। और यही चीज़ है कि बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन जैसे कि UPSC हो गया, IIT JEE हो गया, नीट हो गया, डिफेंस हो गया, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो था स्टेट बोर्ड का बच्चा का काफ़ी कम रहता है कंपेयर टू द बिहार बोर्ड या सेंट्रल या स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड बच्चे का, तो इंग्लिश यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉर्नर प्रोवाइड करवाता। देखो लास्ट चीज़ है कि टू कनेक्ट द ग्लोबल कम्युनिटीज। इन ऑर्डर टू कनेक्ट द ग्लोबल कम्युनिटीज में बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो हम इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम चाहते हैं कि बाहर की दुनिया को हम समझें, बाहर में हो क्या रहा है, उसकी सिविलाइजेशन क्या, उसकी सभ्यता क्या, उसकी कल्चर क्या, उसकी हिस्ट्री क्या, उसकी पास्ट क्या, इन सारी चीज़ों को अगर हमको समझना हो, उससे हम जुड़ना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हमको ऐसी लैंग्वेज आना चाहिए जो हमको जोड़े, और उस कंडीशन में हमारी हिंदी, हमारी तमिल, हमारी मलयालम, हमारी भोजपुरी काम नहीं आने वाला। आएगा तो वही आएगा जिससे हम बात कर पाएं, वो है इंग्लिश, और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहता है दूसरी बाकी दुनिया को समझने में, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम जुड़ रहे हैं बाकी दुनिया से, हमारे फ्रेंड सर्कल आज बाहर की दुनिया से भी बढ़ती चली जा रही है। इसका रीज़न है कि इंग्लिश यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, हम अपनी बात को बोल पा रहे हैं, हम समझा पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट या एडवांटेजेस है इंग्लिश बोल सकते हैं। देखो इन सारे कंक्लूजन के अलावा हम इंग्लिश का है ना हमारे फ्रीडम में, बोलते हैं इंडिपेंडेंसी में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब तक हम अपना एजुकेशन हम अपना हिंदी मीडियम से या अपना इंडिया में ले रहे थे, तो हमें ये समझ में नहीं आ रही थी इंग्लिश वाला या ब्रिटिशर्स हमारे कर क्या रहा, क्योंकि जितनी भी अच्छी सारी बुक्स थी या बड़े बड़े राइटर्स का बुक था वो सारी चीज़ इंग्लिश में ही था, हिस्टोरियन था या ज्योग्राफियन था, वो सारी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ, और वो लोग जब रूलिंग कर रहा था हमें ये चीज़ मालूम रहा कि ये आइडियाज़ आ कहाँ रहा है, ये नॉलेज कहाँ से एक्सक्यूट कर पा रहा है, ये कहाँ से हमारे तरफ इस तरह की नए नए विचार या नए नए की पॉलिसीज लेके आ रहा जो हम हमके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो हमारे जो बड़े बड़े जो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन हायर स्टडीज बाहर की दुनिया में जाके काम पढ़ा लिखा और उसकी लैंग्वेज में उसी की किताब को पढ़ा और बाद में समझा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है
और बाद में जब समझ में आए तो हमारे मतलब कि एक इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल रहा, और बाद में हमारी नेशनल कम्युनिटी को, नेशनल इंटीग्रेशन को जोड़ने में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल रहा है, और इंग्लिश एजुकेशन यहीं से हमारी शुरुआत हुई। तो बोल सकते हैं कि ये सारी पॉइंट्स है इंग्लिश का जो हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे एक बेनिफिट देता है, और एक दुनिया एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दैट्स ओके।